अच्छा बताओ ये कैसा है अंदर से कैसा क्या? उधर जाना है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाज़रीन, एक नए ब्लॉग के साथ आपको खुशामदीद करता हूँ। हम यहाँ पे बेल्जियम में एक शहर है दिनान, ये वालोनिया में है, फ्रेंच स्पीकिंग एरिया में यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम इस शहर को विज़िट करेंगे। इसमें सबसे ख़ास बात जो है वो यहाँ का सितादिल है। सितादिल बोलते हैं जो कला नुमा जगह है यहाँ पे। सितादिल असल में बोलते हैं उस जगह को जो इंडिपेंडेंट तौर पे अपने आप को डिफेंड कर सके। कोई चार दीवारी होती है, उसमें लोग रहते हैं और अपने आप को डिफेंड करते हैं जब कोई जंग वगैरह हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं, ये वो कला और ये जो केबल है, केबल कार, और तीसरा बोट। इसकी टिकट बड़ों की 20 है और छोटों की 15। पार्किंग फ्री में है और अगर आपने सिर्फ कला और वो दूसरी केबल कार लेनी है तो उसकी बड़ों की 12 और छोटों की 10 यूरो टिकट है। जी नाज़रीन, आज इतना रश नहीं है तो कोई मसला इतना ख़ास नहीं होगा टिकट लेने के लिए और अंदर जाने के लिए। और अभी हम वेट कर रहे हैं, बड़े भाई हैं मेरे, वो भी इधर बेल्जियम में रहते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, वो अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, फिर उनके साथ टिकट लेके तो अंदर जाएंगे। हो टिकट ले लिया, हम अभी अंदर आ गए हैं और बारिश जो है वो भी तेज़ हो चुकी है और ये बड़ा सारा जहाज़ इधर खड़ा किया हुआ है, जंगी जहाज़ है कोई। ये दिनान जो है ये बहुत मशहूर जगह है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ये असल में ये जो सितादिल है ये एक पहाड़ी पे वाक़ है और देखने की जगह है। हमने फिर अभी इतनी बारिश है तो फिर भी हमने वो बोट का टूर तो लिया, अब देखते हैं आगे बारिश में कैसा होता है। हाय, इज इट गुड इनसाइड? यस, ओके। ये तो कोई जेल लग रही है शायद। ये इधर कोई सो रहा है। ये है अंदर से कमरा जेल का, ये वो जंजीर है जिससे उनको कैदियों को बांध के रखा होगा। ये वाली बोट होगी, ऊपर भी आप जा सकते हैं और बाहर जो होते हैं इसके अंदर। ये कला है, इतने बोट है, नीचे दरिया है और साथ में बोट। हाँ जी हाँ जी, बताओ बताओ क्या है उधर। तो ये तो था म्यूजियम, बड़ा बड़े हो गया। इधर भी कमरे हैं और उधर भी कमरे बने हुए हैं, यहीं पे वो लोग रहते थे उस ज़माने में। और ये ऐसा बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर के ये अपने आप को डिफेंड कर सकता था। वो सामने बेल्जियम का फ्लैग, ये हॉलैंड का किचन है उस ज़माने का, और ये है बेकरी या जिसको आप तंदूर बोलते हैं, वो आगे आपको ब्रेड जो है वो पकती हुई नज़र आ रही होगी। और ये है स्लीपिंग रूम्स। हाय, अपनी गन से उन्होंने साथ ही रख के सोते हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये 1662 में जो गाड़ी बनाई थी वो है उस वक्त की मर्सिडीज़।
ये यहाँ पे है वेपन रूम है शायद। मामी हनान कैसा लग रहा है आपको? सही दिख रहा है, मजे का है। फायरिंग शुरू हो गई। ये स्लीपिंग रूम है शायद इस भाई का, जो भी पढ़ रहा है, देख रहा है, हिसाब किताब लगा रहा है। और ये आगे है, जंग का माहौल क्रिएट किया हुआ है ये शायद। स्टार्स, तारे दिखाए गए हैं। फायरिंग हो रही है आगे, बच्चे आगे जरा देखते हैं अभी कहाँ लेके जाएगा। हमको शंकर में जा रहा हूँ वो तो उसका तो यार क्या ये भी सीधी नहीं है। हाँ क्या हो रहा है? Why is like this? Is it gravity or something? No, it's it's like something happening. It's so weird. Whoa, this really feels so weird. Yes. ये left side को बहुत ज़्यादा झुका हुआ है और सीधा नहीं है। वो नीचे एक side को राइट साइड को बहुत ज़्यादा झुका हुआ था और अंदर कोई स्पेस क्रिएट किया हुआ है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरह के हालात में भी वो जंग में थे। लेकिन वहाँ पे चलना काफ़ी मुश्किल था, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। आपको ऊपर से दिनांत दिखाते हैं और नीचे रिवर जो है, मास रिवर जो बहता है वो दिखाएंगे। ये टेरेस बना हुआ है बाहर। ये है दिनांत ऊपर से, नीचे आपको रिवर नजर आ रहा होगा जिसमें बोट वगैरह चल रही है। Wow, what a view. तो वो बोटें खड़ी हुई हैं, अभी नीचे जाएंगे और उनमें से किसी एक बोट की सैर करेंगे। और नीचे जाने के लिए वो आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होगा, वो केबल लिफ्ट है, वहाँ से नीचे लेके जाएगी हमें वहाँ तक। अभी बारिश ख़त्म हो गई है और ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम। अभी आपको अंदर का हिस्सा दिखाते हैं। ये तोपें और उनके गोले, और ये तोप नहर अलविदा मुँह की तय। नीचे का मुँह है इसका। हाँ ये अभी नीचे चले, ये नीचे को सीढ़ियाँ दिखा रहे हैं। हमने वो गाइड जो है वो लिया हुआ, लेकिन प्लान, लेकिन उसको देखना समझना, हम कहते इतना बड़ा है तो नहीं, ऐसे ही खुद ही पता चल जाएगा। हाँ ये भी टेरेस ही है। वाह
ये थोड़ा नीचे से है और वो है सामने केबल लिफ्ट। ये शायद उन लोगों के लिए है जो केबल लिफ्ट नहीं लेना चाहते और नीचे से टिकट लेके पैदल ऊपर आते हैं। हाँ जी, ये वही है। तो नाज़रीन, ये भी एक रास्ता है। ये अगर आपने सिर्फ सिटाडेल को विज़िट करना है तो नीचे से टिकट लेके सिर्फ आप इतनी ऊंचाई पे पैदल आ सकते हैं। और इसकी टोटल ऊंचाई जो है ये 100 मीटर है, लेकिन वो ऐसे ज़िगज़ैग करते करते ऊपर आते वक्त पता नहीं कितनी देर लग जाए। तो ये जिन लोगों ने वो चेयर लिफ्ट नहीं लेनी, सिर्फ इसकी सैर करनी, उसकी टिकट भी थोड़ी है और इस यहाँ से पैदल आ सकते हैं ऊपर। लेकिन एक बात बता दूँ, इसके लिए कंडीशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। ये चेयर लिफ्ट नीचे जा रही है और एक नीचे से ऊपर आ रही है। अच्छी बात है कि टॉयलेट भी इधर है। व्यूवर्स, ये यहाँ पे उन्होंने एक स्पेशल चीज़ रखी हुई है, ये आप नोट ले सकते हैं। यहाँ का बनाया हुआ उन्होंने दिनांत का 0 यूरो सेंट इसकी वैल्यू है और ये 2 यूरो का यहाँ से आता है। इसमें पैसे डालें तो ऑटोमेटिकली नोट बाहर आ जाता है, इस तरह का नज़र आता है। ये हमने एक लिया है। यहाँ पे एक और एग्जीबिशन लगी हुई है, आपको दिखाते हैं। गोलियाँ चलाते हुए नक्शा है दिनांक का, ये वाला कला है और इसके उस तरफ और इस तरफ आबादी है, दरमियान में रिवर। ये नीचे थोड़े से हैं गार्डन, ये खुले में मोहम्मद कला ही सैर कर रहा है। वहाँ से चेयर लिफ्ट है। यहाँ से नीचे जाने के 2-3 रास्ते हैं। एक चेयर लिफ्ट है, एक जहाज़ से जा सकते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करना थोड़ा सा मसला होगा, धक्का स्टार्ट है। और तीसरा भी एक रास्ता है, वो पैदल वालों के लिए है। वाओ, ये है सीन दूसरी तरफ से। यहाँ से टेलीफेरिक या केबल चेयर लिफ्ट
नीचे को जाती है और वहाँ से टेरेस से हमने आपको दिखाया था। ये देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, यहाँ पे भी हल्की हल्की हो रही है और वो बारिश इधर को ही आ रही है। नीचे आ चुके हैं, अब हमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि 5:30 बजे से पहले पहले ऊपर वापस जाना है। लास्ट जो है वो 5:30 बजे जाती है। ये रास्ता है पैदल जाने वालों के लिए। और ये हम नीचे आ गए हैं, इस तरफ को हमने जाना है बोट का टूर लेने के लिए। ये यहाँ का चर्च है दिनांग का, जो दूर से नज़र आता है आपको। हम अब नीचे आ चुके हैं, वो ऊपर आपको लोग नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पे हम थे अभी। और ये यहाँ का कैथेड्रल या चर्च। अब हम इस तरफ को जाएंगे और 3 नंबर डेक से हमें बोट मिलेगी। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आना, एक दिन के लिए बहुत अच्छी जगह है। फैमिली के साथ आएँ और सारा दिन आप इंजॉय कर सकते हैं। पहले ऊपर का किले को देखें, उसके बाद फिर उसके साथ आप केबल लिफ्ट के साथ नीचे आ सकते हैं और नीचे आके बोट का टूर करें, उसके बाद कोई खाना वाना खा सकते हैं सिटी में जा के। ये इंडिविजुअल बोट भी आप हायर कर सकते हैं। जी व्यूवर्स, ये वाली बोट है जिस पे अभी हम सवार होंगे और दरिया की सैर करेंगे। ये मोहम्मद की बगी यहाँ पे खड़ी कर दी है। इस बोट पे आप चॉइस कर सकते हैं कि अंदर आपने बैठना है या ऊपर बैठना है। डेक पे भी बैठ सकते हैं, ओपन डेक या फिर अंदर। ये सिस्टम है।
जी नाजरीन अभी बोर्ड चल पड़ी है। Damit toe een zeer aangename rondvaart te wensen. Ladies and gentlemen, welcome on board. I wish you a very pleasant cruise with us. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie an Bord unseres Schiffs und wünsche Ihnen viel Spaß auf unserer Fahrt. À votre droite, sous le côté, vous apercevez l'ancien couvent des Sœurs Dominicaines. Op uw rechterkant, dicht wat in de hoogte, ziet u het oude klooster van de Dominicaanse zusters. Hier waar ik klooster zit. A little bit on the heights, you will be able to see the ancient convent of the Dominican sisters. Auf der rechten Seite oben sehen Sie das ehemalige Kloster der Dominikanerschwestern. अहमद हाँ भाई क्या देख रहे हो नीचे मछलियाँ देख रहे हो अच्छा चलो ठीक है देखते रहो वो कैसीनो है With the Ibis Hotel, and behind the casino, the Dino Penitentiary, still active today and dating from 1849. Links das Casino von Dinant im Hotel Ibis und direkt hinter dem Casino das im Jahr 1849 erbaute Gefängnis, das auch heute noch genutzt wird. वो छोटे तीन बच्चे सामने बैठे हुए सबसे आगे मतीन को भी बहुत शौक है फोटोग्राफी का वो भी अच्छे अच्छे सीन अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहा है Further to your right the church St Antonius of Neff to your left the church St Paul of the Banks built in 1908 ganz rechts sehen Sie die Kirche St Antoine de Neff und zu ihrer linken Seite die Kirche Saint-Paul des Rivages, die im Jahr 1908 erbaut wurde. In front of you, to the left, the Bayard Rock, 32 meters high. On the rock, at about 4 meters high, you will find a bronze plaque topped with a royal crown. This plaque commemorates the climb of His Majesty King Albert I in April 1933. 142 meters long, 27 meters wide, and approximately 70 meters high. This bridge allows the highway to go from Paris to Cologne. In the middle of the mass, the dam of Anserem manages its flow. To the right, you can see the lock, 100 meters long and 12 meters wide. These dimensions allow passage to commerce ships up to 1900 metric tons until the first French port in Givet. The level difference is approximately 2.4 meters. In front of you, to the left, is St. John's Bridge, an ancient Roman building. At the foot of the bridge, the River Lesse throws itself into the Maas. This is also the starting point for the kayak adventure on the Lesse. निचला हिस्सा है अंदर अगर बारिश हो तो यहाँ पे बैठ सकते हैं और यहाँ पे कोई फंटा कोला पी भी सकते हैं In front of you, the bridge Charles de Gaulle, the Collégiale, and to its right, the Cableway. The Collégiale is a magnificent Gothic building
regarded as one of the most beautiful buildings of the second half of the 13th century. To your right, the Adolf Sax Quarter. He was the famous inventor of the saxophone, and he was born in Dinant in 1814. Auf ihrer rechten Seite befindet sich auch das Viertel Adolf Sax, der berühmte Erfinder des Saxophons. Hier erblickte am 6. Oktober 1814 das Licht der Welt. Ladies and gentlemen, we thank you for your visit. We further wish you a very pleasant day and thank you in advance for it. So viewers, ये boat का बहुत ही pleasant tour था. ये देखिए, ये वही थे वैसी ये वाली टिकट लगी हुई है. तो सारा कुछ कंबाइन करें तीनों का तो 20 यूरो और बच्चों का 15. और अगर आप सिर्फ बोट लेना चाहें तो 11 यूरो और 8 यूरो. बाय. ये सैक्सोफोन जो है ये पूरा मोहल्ला है यहाँ पे, वो बोट वाला बता रहा था. और जिसने इजाद किया शायद वो यहीं का था, इस लिहाज से फिर यहाँ का सिंबल बना हुआ है. ये अब हम उस पुल पे खड़े हैं और यहाँ से सितादेल का बहुत प्यारा नज़ारा है. व्यूअर्स, अब हम अगेन ऊपर आ चुके हैं. अभी सूरज निकल आया है और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, इसलिए अब ये जो बच्चों का छोटा सा प्ले ग्राउंड है उसमें बच्चे थोड़ी सी मस्तियां कर सकते हैं. किसी ने कॉफ़ी वगैरह पीनी हो या कुछ पिकनिक वगैरह के लिए ये जगह बनी हुई है. व्यूअर्स, ये दिनांत का सितादेल, उसका जो केबल कार और नीचे रिवर की जो सैर थी, उसका व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं. मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय.